Hello guys, you're watching Bro's Reactions. My name is Kazim. और मैं तो हूँ हमेशा की तरह मुकम्मल खूबसूरत और रिएक्शन वो जो दिल से निकले। तो आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं, असल में हम हो चुके हैं थोड़ा सा लेट, नहीं अच्छा खासा लेट, पांच छह दिन लेट हैं। हमेशा की तरह नहीं कहूंगा क्योंकि अब तो हम रेगुलर वीडियोस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो ये वीडियो है ट्रेलर और यह है, इस ट्रेलर का नाम है इंग्लिश मीडियम, यानी कि अंग्रेजी मीडियम। वाह, अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी तो इससे पहले हमने मूवी देखी थी इरफान खान की, जो पहले इसका एक मैं कहूँगा सीक्वल ये दूसरा है, पहले एक आ चुका है। और यह है कि अब मुझे इस फिल्म में थोड़ी सी यह है कि बहुत अच्छी कास्ट हो गई है, क्योंकि इरफान खान तो है ही अच्छे, साथ में करीना कपूर, राधिका, यस राधिका मदन। तो ये है कि पहले चल के देखते हैं ट्रेलर और फिर करते हैं बातें। सो लेट्स प्ले। Good morning, dear principal madam, dear student, dear top of okay. Inside I'm very emotional and outside I'm very happy for my Vitya. Wow. बस अतरी अंग्रेजी आ गया हमें। वाह यार। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, लंदन जाने तो लंदन जाने। तेरे को बाहर कॉलेज में पढ़ने का इतना शौक है तो जयपुर चली जा। मैं कब तक आपके साथ रहूंगी, बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ी तो फिट हूँ ना। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे थे, तू 18 तक तो रुकी सकती है। दिस इज फर्स्ट ओरिजिनल। घसीटे राम का देना बन सकता तू, क्योंकि घसीटे राम सिर्फ नहीं है। आपने मीटिंग के लिए बोला, हमने बुला ली। अब यो बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। चखना डिस्कस कर लेते हैं। मिलोट मिलोट दारू डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ के फीस का आइडिया है? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। खून का तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन के कॉलेज की फीस 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़ फॉरन कोटा तो पूरा हो चुका है। कोई और तरीका? एक हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे। सूरज जैसे चमकेंगे, देखे कहाँ से लाएगा इतने पैसे? 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं। आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। पर जहाँ तक मारी बेटी का सवाल है, वह तो तुरफोड यूनिवर्सिटी जाके रही, नहीं तो मैं घसीटे राम टोडर मल को पढ़ पोतो नहीं। वाह यार, वाह सचिन जिगर, नाइस। सचिन जिगर म्यूजिक। यार बहुत ही अच्छा ट्रेलर था और बड़ा मजा आया मुझे देख के, और खास तौर पे वो जो शुरू में सीन है, बस इतनी ही अंग्रेजी आती है अपन को तो वो बहुत अच्छा था। और मैं बीच में बात करता था, जैसे वो म्यूजिक शुरू हुआ है ना, बीच में जो गाना एक आया है छोटा सा पीस ही आया है, तो भाई वो तो यहाँ जाके हिट किया है। और यह है कि भाई सचिन जिगर, इस म्यूजिक जो है वो सचिन जिगर की तरफ से है, तो भाई बहुत ही कमाल है आप लोग, बेहतरीन। और कास्ट तो आपने देखी भाई, करीना कपूर खान है इसमें यार। करीना कपूर तो की तो बात ही अलग है, वैसे ही बहुत कभी आजकल तो काफी कम हो गई है वो, उसमें कम फिल्में, मतलब कम मूवीज कर रही है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जो कर रही है वो बहुत कमाल। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कभी लगता है जैसे आमिर खान और बाहर निकलने
और वहीं जाके अंग्रेजी बोलनी है। सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि भाई बाहर जाने के लिए बड़े पापड़ क्या बोलते हैं उसको, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बेलने पड़ते हैं। ये बात तो है। आप देखें कि इरफान खान है इस मूवी में, इरफान खान की एक्टिंग की क्या ही तारीफ करूं। मुझे तो उनको तारीफ करना भी अजीब से एक बात लगती है, क्योंकि भाई वो तो है ही इतने बड़े कलाकार, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, क्या बात है उनकी। और इस मूवी हमने ट्रेलर में हमने ये देखा कि भाई जैसे उतनी फीस उनको बोल दिया जहाँ से, और वो बेचारे जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई इस तरह होना चाहिए लेकिन मैं भेज के रहूँगा। और ये वो तो फाइनली उसमें हमने थोड़ा सा वहाँ लंदन के भी शॉट्स देखे, जिसका मतलब कि वो मूवी में पहुँच तो जाएंगे लेकिन सीन यही देखने वाला हो कैसे किया क्या किया। और उनकी बेटी अच्छा, जो मुझे है वो, सबसे अच्छी लाइन वो लगी कि अंग्रेजों ने 200 साल तो, और ये अच्छा एक अगर देखा तफरी में आपको एक कॉमेडी सीन के अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज भी होता है इसका। अच्छा, बहुत अच्छा। कि मतलब हम जिनकी गुलामी पहले करते थे, अब तो दो मुल्क आजाद है, इंडिया अपनी तौर पे आजाद है, पाकिस्तान अपने तौर पे आजाद है, लेकिन फिर भी हम भागते हैं अंग्रेजों के पीछे। अच्छा वो डायलॉग भी बहुत अच्छा था कि भाई भारत को जो है अंग्रेजों से भारत लेने में 200 साल लग गए, तू 18 साल तो रुक ही सकती है ना। तो बहुत ही अच्छा वो मुझे डायलॉग लगा। और बहुत जबरदस्त मूवी आने वाली है, इससे पहले भी जो आई थी अच्छी खासी चली थी ऑब्वियसली, तभी उसका दोबारा एक वो आ रहा है। और ये है कि देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और आई गेस ये मैंने नहीं देखा, बट ये है कि करीना कपूर खान है, इरफान खान है, और साथ में राधिका मदन। तो ये है कि मदन DMADN। तो ये है कि मूवी बिल्कुल देखेंगे और बड़ा ही मजा आने वाला है मूवी देख के। और ऐसी मूवीज ये है कि आनी चाहिए, मैं कहता हूँ ज्यादा आनी चाहिए ऐसी इस तरह की मूवीज ना, थोड़े से आइडियाज कॉन्सेप्ट हर चीज अलग हो। अब आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मूवीज ऐसी भी आ रही हैं जिनकी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हाँ, ये मूवी का ट्रेलर हम लोग रिएक्शन देने में थोड़ा सा लेट हो गए, बट ये कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ट्रेलर आए तो पहले ही करते हैं। और साथ में हमारे एक हमारे जो मेट हैं ऑनर्स भी, वो जो हैं बीमार हैं, वो उनकी तबीयत खराब, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए। उनके बहुत ज्यादा सर में दर्द हो चुका है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने बहुत तंग किया पता नहीं किस चीज सर में दर्द हुआ है, लेकिन जो भी था पार्ट वैसे उसकी तबीयत खराब है, वैसे वो इस वीडियो में नहीं है। तो ये है कि लेट्स प्रे फॉर हिम। और ये है कि अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए facebook.com/brosreaction बनाने वाले के हमारे पेज लाइक करें, लाइक करने के बाद आप हमें कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी अच्छी सी वीडियो सजेस्ट, उसके बाद आ जाए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आकर कीजिए हमें फॉलो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम मेरी काजिम नहीं है, मेरा है मुकम्मल _खूबसूरत। और साथ में हमारे वहाँ पे एक और पेज है ब्रोज रिएक्शंस, बीमार हुआ है हमारा खाली ऑन, बीमार हुआ है। अच्छा, ऑन का भी इंस्टाग्राम आपने आके फॉलो करना है, उसका है @ बल्कि नीचे आ रहा होगा ना, उसका आ रहा होगा, हम उसका दे देते हैं भूल नहीं है। उसके साथ साथ आप ब्रोज रिएक्शंस का हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे जाएं और वहाँ जाकर आपने करना है उसको लाइक भी करना है, आपने फॉलो भी करना है, और आप हमसे कर सकते हैं वहाँ पे ढेर सारी बातें। सो यू गाइस आर वाचिंग ब्रोज रिएक्शंस, माय नेम इज काजिम, इज मुकम्मल खूबसूरत, गुड बाय।